दुनिया हमारे मन की है, सारी बनाई हमारा ही मन। बड़ी से बड़ी बात को भी लाइट कर देता है, हमारा ही मन छोटी सी बात में भी इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। ये तो अपने मन का ही खेल है, दूसरे का ही दुनिया इसका नाम है, जो मन का खेल। मन अपने ही अंदर है, दूसरे के मन अपने। इसीलिए बोला है अपने को जान लो, मन को जान लो, गुरु के विचार को अपना अपना के मन से हट जाओ, उसको देखने वाले बन जाओ तो सारी दुनिया को जान लो। एक चावल के दाने को जान लो, हांडी पक गया तो सारे पके हुए समझ में आ जाएंगे। सारे चावलों को थोड़ा ना निकाल निकाल के जो है ना देखना है कि गले की नहीं गले, ये गला के लिए नहीं गला। बोले एक मन को जानने, जब अपने दूसरे के मन को जानने का ज्ञान नहीं है, अपने मन को जानने के बाद आप दूसरे के मन के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, कभी भी आपको दूसरे की खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, आप कभी भी दूसरे के विषय में फट से शब्द नहीं बोलेंगे। तो एक झटके में जुबान चलती है, वो क्या मन के साथ रहते हैं दूसरे के लिए क्या? मन अपने मन की बात जब होती है तो मन से तो चिपके, असत के गुरु से तो चिपके, असत गुरु से तो चिपके पड़े हम लोग। अपनी देह भाव यही है, असत गुरु में रहना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु बोला गया है, तो गुरुर ही ब्रह्मा है, लेकिन कौन सा गुरु? सत्य का गुरु, सतगुरु। जो असत्य, बार बार एक ही बात है कि सब असत्य से हटके सत्य में टिको, असत्य के दर्शन करो, तो सत्य का गुरूर भी रहेगा, उसका अहंकार या मद नहीं चढ़ेगा, अहंकार चढ़ेगा ही नहीं। अहंकार जब नहीं, अहंकार से ही हमको एक गलत लगता है एक सही लगता है, तो बोले यह अपनी करनी बहुत ज्यादा दिखाई देती है कि हम तो बहुत करने धारने वाले, सेवा करने, पता नहीं क्या क्या दिखता है मन को, ये तो मन जानता है अच्छी तरह से, तुम्हारा भी जानता है हमारा भी जानता है। अंदर की तरफ रुख होगा तो इंद्रियों की शक्तियां जब बाहर की लगी हुई हैं, दूसरे को ही गलत समझना, दूसरे को ही गलत बोलना, दूसरे को ही गलत देखना और अपनी करनी का डंका बजा के रखना। बाहर नहीं बजाते हैं स्याणे हैं, अंदर में बजाए रहते हैं। जान लेना इतने स्याणे सब हो गए हैं यहाँ सत्संग करते करते, लेकिन अंदर बड़ा डंका है अपनी करनी का। इसीलिए अभिमान से अभिमान से जो है जो माथे रहते हैं हर वक्त। हमारा वाणी भी जो इसीलिए गंदी होती है क्योंकि अभिमानी है हम लोग, सत्य के गुरूर में नहीं टिके, असत्य के गुरूर में टिके हुए। अपने को अच्छा समझते हैं, अपने को करने वाला समझते हैं, अपने को बड़ा ध्यान रखने वाला, अपने को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, इसीलिए सामने वाले को हमेशा दूसरे रहते हैं विदाउट एनी मर्यादा धर्म के। ना हमारे लिए कोई ना धर्म है ना मर्यादा है, और हम तो बिल्कुल फ्री हैं सबको कुछ भी कहने के लिए। हम कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सही है, ये मन की दशा है, क्योंकि हमें अपनी करनी का बहुत अहंकार है। तो जो जब तक मैं और तू का झगड़ा है, दुनिया इसी बात पर बनी हुई है। और गीता का ज्ञान भी है, गीता का पढ़ो, वो जो हम लोग भजन गाते हैं उसमें है ना, मेरा तेरा बड़ा छोटा जो हम कर रहे हैं ना, सही गलत पापी पुण्यात्मा, ये सारा पाप है, यही पाप है, इसके अलावा कोई पाप नहीं है संसार में। बोले तेरा मेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से मिटा दो, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले जग से नहीं मिटाने को कहा है, मन से मिटाने को कहा है। गीता का भजन है, गीता सार का, देखो फासले मन से मिटाने हैं, हम लोग तो जग से मिटाने लगते हैं, फासले करने लगते हैं, एक एक सेकंड में जाने क्या क्या करते हैं। तो बोले बचना है, जीवन बहुत कीमती है, इसलिए बचो जल्दी जल्दी। क्यों नहीं तुम्हारा शॉट ओके हो रहा है, डायरेक्टर परमात्मा जो है वो हमारा तुम्हारा शॉट ओके क्यों नहीं कर रहा है? वही रीटेक क्यों हो रहा है संसार में लोगों के माध्यम से? कारण बताओ। एक छोटी सी फिल्म बनती उसमें तो रीटेक करके हजारों बार होता है, 100 बार रीटेक करवाते हैं जब तक डायरेक्टर देख लेता है कि सही शॉट नहीं हुआ।
हमारा तुम्हारा रिटेक क्यों हो रहा है संसार में? क्योंकि आज नहीं हुए ना, जो है आज नहीं हुए, इसलिए रिपीट होता रहेगा। अपना शॉर्ट होके करो, ज्ञान खूब जानती हो, अपना शॉर्ट होके करना नहीं जानती हो, लेकिन अपना शॉर्ट होके करो। आप बगल वाले को भी बोलो, स्वयं भी बोलो, क्योंकि साथी हैं। नहीं, बता रहा कि बार बार इसी के मेरा शॉर्ट को ओके करो, दूसरे में गलती देखना बंद करो, अपने अपने को देखो कि क्या क्या गलतियां हुई, उसके कारण जो हो रहा है वो उसके कारण हुआ। कहीं तो तुम्हारी भी कुछ गलती होगी, कहीं तो सामने वाले की इज्जत से बगल वाले की भी कुछ गलती है, इसलिए तो कुछ हुआ, तो इसलिए क्या हो रहा है। कोई तो कमजोरी तुम्हारी भी होगी, कोई तो नादानी तुम्हारी भी होगी, कोई तो ऐसा नहीं है कि तुम और हम दूध के धुले, ये याद रखना। तो अपनी अपनी नाकामियों का सहरा दूसरे को नहीं लेना चाहिए, अपने परेशानियों को अपना मानो, उसका कारण हमारा मन ही है, दूसरा नहीं। जितनी जल्दी इस चीज को कि ये सब कह देने से बात नहीं बनती है, इसमें हमको तुमको गुरु चलाता है। परीक्षाएं फिर हमारे पास आती हैं, उसमें भी हम सोच अपनी सही रखी, बाहर खेल की हम बिल्कुल बात नहीं करना है, सोच में हम कह रहे हैं। सोच में अगर नाम रूप है, चाहे मैं खुद फलानी तो तू ढिमकाना भी है ये सामने बड़ा बड़ा, तो सोच को सही करो, पॉजिटिव गुरु के विचार की सोच रखो। हे राम जी, जगत बने ही नहीं, सब मेरा ही फैलाया हुआ पसारा है, मेरे मन का फैलाव है, ये जो विस्तार है ये मन का है और कुछ नहीं। तो मन को ही गुरु जी ने कहा कैसे मिटा सकते हो, सिर्फ उसको देख के और मेरे विचार से चल के, यही तो गुरु जी ने बोला। मन को देखना सीख जाओ, मेरे विचार से चलना सीख जाओ, जब मन देखोगी तो अहंकार नहीं रहेगा, चलोगी गुरु के विचार से। तो नन्हे नन्हे धर्म में भी भूल नहीं होगी, धर्म करके अच्छा मिले, ये जो सोच है ये गड़बड़ है। कर्तव्य कर लो, उसके बाद भगवान की मर्जी, जो वो दे वही अच्छा है, उल्टा दे या सीधा दे, हमने अपना धर्म कर लिया या सीधा, वो उसके अपना है, उसका है, हमारा नहीं, और इसमें मेरा भला है ये जान लो। तो बहुत अच्छा ज्ञान है, गुरु जी ने हम लोगों को सच्चा ज्ञान दिया है, झूठ का ज्ञान नहीं दिया, देह भाव से हटने का ज्ञान दिया, देह भाव को देखने का ज्ञान दिया, इसी को कहते हैं मन। तो देखो उस मन को, उस आत्मा को अपने देह भाव से हटाओ। कैसे हटाएंगे हम तो, सत्कर्म करके या बदकर्म करके। ना सत्कर्म की जो भी जंजीर है, कहते हैं सत अच्छे कर्म है सोने की जंजीर, और बुरे कर्म है लोहे की जंजीर, दोनों ही जंजीर है, दोनों में ही बंधन है। एक भजन है ना, बोले दोनों में ही बंधन है, मुक्ति उसमें नहीं है, मुक्ति है मन देखते रहने में, चलना गुरु के विचार से, तो अपने आप मुक्ति मिलेगी। फिर मुक्ति तुम्हारे द्वार पे खड़ी होगी दासी बनकर, तुम्हें उसके द्वार पे नहीं जाने की जरूरत है, हमारे तुम्हारे द्वार पे वो खड़ी है। ये ऐसा दरबार बढ़िया हम लोगों को मिला है गुरु जी का, बहुत महिमा है गुरु जी। लेकिन ये जरूर है कि अपने विचार में भी दूसरे के प्रति दुर्भाव ना लाओ, ये बहुत जरूरी है। अगर अपना क्यों कह गया, जो तो को काटा वो बाको बो तू फूल, तो को फूल को फूल है बाको भगवान जाने, त्रिशूल भी ना कहो यार, क्यों कहो भगवान जाने, वो विधाता भगवान है, उसी को न्याय करने दो ना। न्याय करने वाले और हम न्याय करने वाले थोड़ी ना हो जाते, तो ऐसा ही ज्ञान है ये जो गुरु जी ने दिया है, वो उस ज्ञान की अमलता को भी तो पकड़ना होगा ना हम लोगों। हम लोग बातें बड़ी करते हैं लेकिन अमल में हमारे नहीं है, अमल के समय में हमें तुरंत नाम रूप दिख जाता है, पहले मैं हो जाती हूँ फिर दूसरा हो जाता है, और तो बड़ी बातें होती हैं, उन बातों का कोई अंत नहीं। इसलिए ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है, और जल्दी सजग हो, किसी को ना रिझाओ, एक गुरु जी को रिझाओ, एक को साध लो,
सब सद जाएगा। गुरु को साधने का मतलब ही है कि मेरे गुरु ने बोला ना कि ये कर दो, मेरे गुरु ने बोला ना कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, मेरे गुरु ने फलाना कैसा भी है लेकिन मेरे गुरु ने बोला कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करो। उधर मुझे ही देख के मेरे गुरु जी ने भी तो यही बोलते हैं, मेरे गुरु ने यही तो बोला है, उधर मैं हूँ ऐसा सोच नाम रूप क्यों देख रही हो, मैं हूँ ऐसा कर देख के मेरे मैं हो तो क्या करता, तुम क्या करती। गुरु जी चाहे हम लोग को कितनी भी गाली दें, चाहे हमको भूखा रखें, चाहे कुछ भी करते थे, हम लोग आखिर पड़े रहते थे ना उनके दरवाजे पे, क्योंकि धक्का धनी का काय द्वारे धनी के पड़ा रहे, कभी तो उसकी हमारे पर नजर पड़ेगी, धीरज चाहिए। हम लोग ये किए ना तो उससे आराम मिला, तो ये बातें बक्से बोल देने से हो जाएगा। या जब धक्का धनी दे रहा होगा और उसको सह के भी हम बुरा ना माने तब काम बनेगा, क्योंकि वो तो करेगा धक्का देगा। इंजीनियर थ्योरी पढ़ के पढ़ जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। इंजीनियर ऐसे कोई नहीं बनता है, लैब में भी जाना पड़ता है, या कितनी ऑनलाइन पढ़ाई हो, कितना पढ़ा रहे हो, लेकिन थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अगर ना किया तो बेकार है। प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग होता है, एक 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 प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल, चाहे वो अकाउंट हो चाहे जिसमें, सब में प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग थ्योरी है। जिस तरह प्रैक्टिकल में दिक्कतें जो आती हैं और कैसे उसको हमें इधर से उधर कुछ खर्चे दिखा के करना है, ये सारी बातें तो जब आप टेबुक बनाते हो या अपना वही खाता वो करते हो तो आपको मालूम होता है किस तरह से सब करना होता है। उसमें जरूर इधर उधर भी करना होता है लेकिन उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होती है। एक तो बेईमान होते हैं, एक होता है विदाउट बेईमानी कुछ खर्चे बचाए जाते हैं। ऐसे ही है ये ज्ञान कि जब प्रैक्टिकल हम तुम करते हैं तो बहुत कुछ होते हुए भी हम दूसरी तरह से उसको बैलेंस में लाते हैं। बड़ा अच्छा ज्ञान ये गुरु जी ने जो हम लोगों को दिया है, सब जगह लागू होता है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे कर्म, जितने हमारी कर्म भूमि में इस ज्ञान की अति आवश्यकता है। बचपन से ले लेता है जो ज्ञान वो अपना जीवन बहुत कहते नहीं जुगत से और गुरु के विचार से और गुरु की जुगत से अपना जीवन जी लेता है बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से। और एक कहावत है ना कि सकल एक राम, सकल में सब में एक राम, जग से एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट से न्यारा, सबसे न्यारा उसका एहसास होगा, एहसास अपने अंदर होगा कि सकल के मध्य सकल से उदास, इसी का नाम है रामदास। सबके मध्य में होते हुए भी सबसे उदास रहता है सिर्फ इसके पास, गुरु के पास। और सकल के मध्य में भी है, बहुत हंसता बोलता खाता पीता दिखता करता देखता सब दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से कहीं आए सिर्फ एक जगह कहीं और। तो ये सब प्रैक्टिकल चाहिए। थ्योरी से अब ना मेरा काम बनने वाला ना तुम्हारा बनने वाला। तो थ्योरी को जब जीवन की में परीक्षाएं कोई वो कहे के थोड़ा ना रहेगा कि आज तुम्हारी परीक्षा है, आज मैं आ रहा हूँ तुम्हारे वहां गुड़ खाने, या आज मैं आ रहा हूँ तुमसे पैसा मांगने कुछ नहीं कहेगा वो, नेचर से सब अपने आप होता है। नेचर में सजग रहना पड़ के रह के हमें उसे, या आज मैं तुम्हें गली देने आ रहा हूँ, या आज मैं तुम्हें प्यार करने आ रहा हूँ, कुछ नहीं वो बताएगा। लेकिन हम तुम जो ज्ञान ले रहे हैं उसमें हम उसको देख कर काम करके परे हट जाएंगे। ये बहुत कहते नहीं अंदरूनी मामला है, अंदर की बात। गुरु गुरु बड़ा अंदर का है जो अपने ही अंदर है।
जगता चाहिए, पीछे में भी अकेले में बैठी हो जहाँ कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं है, लेकिन माँ भी वो है जो तुम्हें भी देख रहा है और हमें भी देख रहा है, क्योंकि वो हमारे तुम्हारे अंदर ही रोम रोम में है। क्या हमको नहीं, हम तो हाँ उल्टा व्यवहार सामने भी करते हैं, हम तो बड़े शुद्ध बुद्ध हैं, तो दोनों तरफ से गंदे हो, सामने भी व्यवहार गलत कर रहे हो, पीछे भी गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि भगवान कैसे कहाँ है। बार बार जागो,